नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ अंकिता। 15 अक्टूबर से पूरे देश भर में शारदीय नवरात्रि आरंभ हो चुका है। लोग अपने घरों में माँ दुर्गा को स्थापित कर उनकी आराधना में डूबे हुए हैं। आपको बता दें कि ये 9 दिन भक्तों के लिए बेहद ही खास होते हैं। इन 9 दिनों में माँ की पूजा और कलश स्थापना के साथ हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माता रानी के भक्त इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा पाने के लिए व्रत, पूजा पाठ और हवन करते हैं। शारदीय नवरात्रि का आज 4th दिन है और नवरात्रि के 4th दिन देवी के 4th स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। आपको बता दें कि देवी कुष्मांडा आदि शक्ति का वो स्वरूप हैं जिनकी मंद मुस्कान से इस सृष्टि ने सांस लेना शुरू किया, यानी सृष्टि का आरंभ किया। मान्यता है कि देवी कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्य मंडल के बीच में होता है। कहा जाता है कि माता कुष्मांडा का तेज ही इस संसार को तेज, बल और प्रकाश प्रदान करता है। कहा यह भी जाता है कि जब इस सृष्टि में हर तरफ अंधकार फैला हुआ था, उस समय देवी कुष्मांडा ने जगत की उत्पत्ति की इच्छा से मंद मुस्कान दी और इस सृष्टि से अंधकार का नाश कर सृष्टि में प्रकाश फैलाया था। आपको बता दें कि जो भक्त देवी के इस तजोमय रूप की श्रद्धा भाव से भक्ति करता है और नवरात्रि के 4th दिन इनका ध्यान करते हुए पूजा करता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। माता अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करती है और भक्तों को सारी परेशानियों से मुक्ति दिलाती है। इस दिन व्रत करने वाले का मन अनाहत चक्र में उपस्थित रहता है, जो हृदय के बीच स्थित है। माँ कुष्मांडा की उपासना के लिए भक्तों को हल्के नीले रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, जो इस चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। उनको अष्टभुजाओं वाली देवी माना जाता है। कहा जाता है कि इनकी भुजाओं में बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कमल और कमंडल शोभा पाते हैं। वहीं दूसरी भुजा में वो सिद्धियाँ और निधियों से युक्त माला धारण करती हैं। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए भक्तों को माता का विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मंत्र का जाप अवश्य करें। साथ ही आपको बता दें कि इस दिन भक्तों को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर देवी कुष्मांडा का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पूजा में माँ को लाल रंग के फूल, गुड़हल या गुलाब चढ़ाने चाहिए। इसके साथ ही सिंदूर, धूप, दीप और नैवेद्य भी माता को अर्पित करें। आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा को पेठा अति प्रिय है, इसीलिए देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद पेठे का भोग लगा सकते हैं। साथ ही देवी माँ को मालपुए और दही हलवे का भोग भी लगाया जा सकता है। नमस्कार।